गुरु नानक जयंती पर संत नगर पहुंचे प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ईदगाह को गुरु नानक टेकरी के नाम से पहचाना जाना चाहिए, क्योंकि 500 साल पहले यहां कोई ईदगाह टेकरी जैसी जगह नहीं थी। यहां गुरु नानक जी आए और तभी से यहां गुरु नानक टेकरी थी। इस दौरान राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारे पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुद्वारे में माथा टेका और आशीर्वाद दिया। इस दौरान रामेश्वर शर्मा ने कहा, ईदगाह हिल्स की टेकरी वास्तव में गुरु नानक जी की टेकरी है। 500 साल पहले यहाँ गुरु नानक देव आए थे। राजा भोज की नगरी पुण्य भूमि पवित्र थी। उन्होंने कहा, गुरु नानक देव जी के पवित्र चरण इस भोपाल की पावन धरती पर पड़े, यह भोपाल के लिए सौभाग्य की बात है। इसे गुरु नानक टेकरी के तौर पर तीर्थ स्थल के रूप में बनाया जा सकता है। नहीं तो 500 साल पहले कोई बताए कि ईदगाह में किसका मकान था? 500 साल पहले तो नहीं था। और भारत भ्रमण पर जब गुरु नानक निकले थे तो भोपाल वासियों का परम सौभाग्य, राजधानी वासियों का, राजा भोज के नगर का परम सौभाग्य कि गुरु नानक जैसे महापुरुष का जो है भारत भ्रमण के दौरान भोपाल का दर्शन, भोपाल में वो पधारे और भोपाल में उनकी चरण रज भी गिरी है, और इसलिए गुरु नानक टेकरी के नाम से ही उसको पुकारा जाए। ईदगाह बाद में बनी होगी, पहले नहीं बनी, पहले तो गुरु नानक टेकरी थी। सत्य को स्वीकार करो। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए coronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।